यमुना नहाया, यमुना में तो नाले कह गए, ये यमुना होती है तो नाला है ना, दिक्कत ये है, ये वजीराबाद डैम के बाद इसमें यमुना पानी छोड़ा नहीं जा रहा, ये नाला छोड़ा जा रहा है, दिल्ली का मलमूत्र, गंदा लैट्रिन बाथरूम, चलो कोई बात नहीं है। नमस्कार, फिलहाल इस वक्त हम लोग कालिंदी कुंज घाट यमुना दिल्ली में है और यहाँ पर अंकल जी मेरे पीछे नहा रहे हैं यमुना के इस नाले में, ये नाला है। मैंने अंकल जी को बहुत समझाने की कोशिश की कि अंकल जी इसमें मत नहाइए, ये कह रहे मेरी श्रद्धा में नहाऊंगा, हालांकि आप श्रद्धा है तो इस पानी को निकाल के बगल में नल है, बाल्टी में पानी लेकर नहा लीजिए, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, ये नाले का पानी है। मैं यही एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ आकर नहाना है तो इससे बेहतर होगा कि आपके घर के बगल में जो नाला बह रहा है उसमें नहा लीजिए। इतना दूर मेट्रो से आने का या फिर ऑटो से या बस से आने का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में जो वजीराबाद डैम है उसके बाद यमुना का पानी छोड़ा ही नहीं जा रहा है, ये दिल्ली का पूरा मलमूत्र गटर का पानी नाला छोड़ा जा रहा है। तो अगर आप आकर ये सोचें कि यहाँ नहाना है तो उससे बेहतर है आपके घर के बगल मोहल्ले में जो नाला बह रहा है आप लोटे से ग्लास से पानी लेकर मग से उससे नहा लीजिए, वो बेहतर होगा, आपका टाइम भी बचेगा पैसा भी बचेगा। अभी ये यमुना नहीं रह गई, हमारी पॉलिटिक्स और हमारी लापरवाही ने इसकी जान ले ली है, तो यहाँ पर प्लीज इस चीज को समझिए और यहाँ आकर कालिंदी कुंज घाट पर इस नाले में, इस यमुना वाले नाले में मत नहाइए प्लीज।